नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की पौष कॉलोनी नई मंडी के पटेल नगर में रिटायर्ड एसडीओ व उनकी पत्नी को बदमाशों ने बंधक बनाते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दंपत्ति को बाथरूम में बंधक बनाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसएसपी व एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची डकैती की घटना को अंजाम देने आए बदमाश कार व बाइक पर सवार होकर आए थे। जी, आपका नाम? क्या नाम आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? कुछ लड़के थे, जवान थे, वो आए, उनके हाथ में एक के कट्टा था और बाकी चाकू थे, और मुझे कहने लगे जान से मार देंगे, जो भी माल है वो दे दो जी। मैंने कहा जो भी है वो ले लो, मैं क्या दे दो। वो कहने लगे जेरो लो सारा हो जी। वाइफ से कहने लगे, मैंने कहा भाई जो तेरे पास है वही ना दे दे ले जा। वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तू जो भी है ले जाके दे दे, जिंदगी बचाने का। कुल कितने बदमाश थे, किस समय की घटना है ये? 7 और 8 के बीच की। कितने बदमाश थे? 5 रहे होंगे ऑलमोस्ट, 4-5। जब आप लोग घर में थे या बाहर से आए थे आप लोग? हम 5 मिनट पहले ही बाहर से आए थे जी। कितने का आपको, किस तरह से टॉर्चर किया आपको? घर में बंधक भी बनाया है? मुझे बाथरूम में ही बंद रखा, मुझे पैंट निकाल के बंद रखा। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक लड़का बारी बारी मुझे कह रहा था अंकल जी आपको हम कुछ कहने के नहीं करने के नहीं, लेकिन हम माल लेके जाएंगे, हमारी मजबूरी है, ऐसा करता रहा वो बारी बारी। अच्छा। बारी बारी मुझे कहता अंकल जी ऐसा करता रहा वो। कितने का माल गया? 40-50 हज़ार रुपये होंगे, और गले का सेट है, 2-4 अंगूठी है, एक हाथ का कड़ा है जी। अच्छा, पोस्ट कॉलोनी है, इस तरह की घटना क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? जब आप अंदर गए तो वे अंदर बाहर से गए थे अंदर या अंदर ही थे जब आप? नहीं, हम जब आए मैंने स्कूटर खड़ा करने के बाद मैं अंदर गया, और अंदर जाके गैलरी से मैं बाथरूम में हाथ साबुन से धोए और मैं दीपक जलाने ऊपर पूजा करने चला गया, तो मैं माला कर रहा था अपनी उस समय जी। इतनी देर में घंटी बजी तो वाइफ मेरी गई खोलने के लिए, और जैसे इसने दरवाज़ा वो खोला तो एकदम ये हा हा ऐसे करके चिल्लाई। मैं तुरंत माला अपनी लेके एकदम भागा, तो जैसे जीने से मैं नीचे आया तो एक ने मुझे डाल दिया जीने के उस पर, ले चक्कू मार फाड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करने लगा, और माल जल्दी से दो जल्दी से। एक पासपोर्ट बता रहे थे, आपका पासपोर्ट था? पासपोर्ट वो अलमारी छेड़ रहे थे, अलमारी में सब चीज़ निकाल रहे थे, तो मतलब लाखों रुपए की लूट ज़्यादा है जी, अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकती। तो कितना आइडिया रुपये? तो ये मैं अपनी 1 तारीख को पेंशन लाता हूँ निकाल के, तो वो लाया था मैं, कुछ खर्च हो गया होगा, कुछ बचे थे, कुछ 1-15 हज़ार रुपये आए थे वाइफ के पास। आपके परिवार में बस आप ही दोनों थे यहाँ पे? आपकी पत्नी के साथ मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट की, उसके मारा है एक दो बार, यहाँ होठ पे मारा और माथे पे भी निशान है। हाँ, ठीक है, चलिए भाई। किस तरह की घटना? आज की घटना बड़ी दुखद है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और मंडी जैसे क्षेत्र में जो शहर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे, इस प्रकार की रोज घटना हो रही है। हम अगर हम कुछ बात कहेंगे विपक्ष के लोग हैं भाई, ये तो इस प्रशासन पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं हम तो प्रशासन का सहयोग करेंगे, और हम चाहते हैं इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। कितना नुकसान होगा? मेरी बहू जी से बात हुई है, विकी अग्रवाल जी से, उनका कहना है कि उनके जेवर और कुछ कैश ले गए, लगभग हमारा अंदाजा 15-20 लाख रुपये का उनका, और बड़ा टाइम लिया उन लोगों ने, 6-7 लड़के बता रहे हैं वो जो भी थे। तो इस तरह की घटना होना ऐसे क्षेत्र में, तो सुरक्षित हम लोग कहाँ रहेंगे? अगर यहाँ सुरक्षित नहीं तो किस जगह सुरक्षित रहेंगे? जिले में लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है, और मेरा मानना है कि बिल्कुल पुलिस तंत्र बिल्कुल फेल है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना को बहुत गंभीरता से पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए, और इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। देखिए, ये थाना नई मंडी की घटना है, यहाँ पे पटेल नगर एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये दो लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे ही घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद
चार पांच लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए, वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पता लगा कितने के लोग हैं? अभी सारी चीज़ें हम लोग टैली कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मौके पे ही है, सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। चेक करके जैसी अपडेट्स मिलेंगे आपको फ्यूचर में अपडेट कर दिया जाएगा। सर, बदमाशों की संख्या के बारे में? सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं, बहुत सारी लीड्स हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसी पूरी डिटेल्स मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहेंगे। घर में दो बुजुर्ग थे, पहले से रखी हुई सारी चीज़ें हम लोग चेक करा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी घटना के ऊपर हमारी टीम मौके पर ही है, जैसे जैसे लीड्स मिलती जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग इसमें वर्कआउट कर लेंगे पूरे केस को, तो उसके बाद आपके साथ डिटेल शेयर की जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।